मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जिस खबर, जिस लेटर का आप शिक्षक अभ्यर्थियों को और नव नियुक्त शिक्षकों को इंतजार था, आपके स्क्रीन पर है। कब मिलेगा? कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, कक्षा 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थियों को कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, इस संबंध में बड़ा लेटर जारी हुआ है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, इसमें आप तारीख देख सकते हैं और हर जिले की लगभग यही तारीख होगी। आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 की तारीख आपके स्क्रीन पर है, साथ में 9, 10 और 11, 12 की तारीख से भी आपको रूबरू कराएंगे। जैसा कि शिक्षा विभाग 5G स्पीड से नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और वेतन के संबंध में कार्य कर रहा है। आज प्रातःकाल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि चटपट में बिहार में नियुक्ति पत्र दिया जाता है, पर वर्तमान में आप देख सकते हैं कि छठ नियुक्ति मतलब छठ पर्व में नियुक्ति और पट वेतन मतलब कि तुरंत दिसंबर महीने में आपको वेतन भी दिया जाएगा। छठ नियुक्ति पट वेतन का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा आगे प्रस्तावित है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं 15/11 से 21/11 के बीच में DLED यानी कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। ऐसे में आनंद फानन के कई लेटर, 5G स्पीड के लेटर आपके स्क्रीन पर है। कल से आज के बीच में 3 लेटर आपके स्क्रीन पर, और अब अभी अभी इसी 5G स्पीड से जो बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर है, कक्षा 1 से 5 में आपने देख लिया कि 15 से 21 के बीच में कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। अब देख लें कक्षा 9, 10 एवं 11, 12 के संबंध में क्या लिखा है कि 9, 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए 15 से 17 तारीख के बीच में, 15 से 17 नवंबर के बीच में नियुक्ति पत्र, और वर्ग 11, 12 के अभ्यर्थियों को 18 से 21 के बीच में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सारण जिले का ये लेटर है और आप कई उच्च अधिकारियों के नाम और जो डाटा ऑपरेटर इस कार्य के लिए निर्गत किए गए हैं सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी है नव नियुक्त शिक्षकों के लिए। ये सारण जिले का लेटर है, पर लगभग हर जिले में ऐसा ही लेटर आपको देखने को मिलेगा। लगभग सभी जिलों में तारीखें लगभग समान होंगी। तो जब आपको विद्यालय आवंटित होगा तो आपको क्या क्या दस्तावेज उस वक्त चाहिए, आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, काउंसलिंग पत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। विद्यालय आवंटन की बात हो रही है तो आप ये समझिए कि सैलरी अकाउंट की भी बात हो रही है। आप देख सकते हैं विद्यालय के प्रधान अध्यापकों को ये दायित्व दिया गया है कि नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु निर्देश अनुसार खाता का संचालन भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अथवा नजदीकी के शाखा में खोला जाए। आप समझ सकते हैं कि कल आपने प्राण जनरेशन का एक लेटर देखा और अब बैंक अकाउंट खुलने का आपने ये देखा लेटर, पर ये विभिन्न जिलों का, पर आपको इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। बैंक अकाउंट आपका अगर पहले से है तो उसे ही आप दे, या आप नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, सैलरी अकाउंट वो होगा। कई लेटर से हमने आपको रूबरू कराया, पर बड़ा सवाल वही है कि जो अभ्यर्थी अभी BPSC TRE 1 में सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी BPSC TRE 2 में उम्र सीमा विवाद को लेकर हलकान परेशान है, उन दोनों के लिए शिक्षा विभाग को कुछ न कुछ करना चाहिए। पहले सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके जो अभ्यर्थी वर्तमान में कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण है, कट ऑफ पार करने के बाद भी नियोजित शिक्षकों को हटाकर और बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को उस पद पर सरकार शिक्षा विभाग को BPSC को अभ्यर्थियों को पद नियुक्त करना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को BPSC TRE के रिजल्ट के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा देकर उनको जहां वो पहले से पदस्थापित है वहीं पर रखना चाहिए। अब इस संबंध में BPSC को कार्य करना पर शिक्षा सुधार लगातार आवाज उठा रहा। उम्र सीमा विवाद, BPSC TRE 2 में कुछ अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है उनके उम्र सीमा की समाप्ति की बात कह के, पर शिक्षा सुधार ये मांग करता है कि जब इतनी लेट बहाली आती है, 5 साल 7 साल अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों कहा कि उन्हें उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।